빵. कौन भाई यहाँ क्या कर रहे हो? सरो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। अरे तो इंटरव्यू देने आए हैं तो इंटरव्यू दीजिए, ये आगे पीछे दरवाजा, ये सब क्या? सर वो मैं पहले टिकटॉक बनाता था सर, तो उसकी आदत लग चुकी है सर। अरे कलाकार हैं आप? यस सर हाँ। अरे भाई भाई कलाकार की तो मैं बहुत इज्जत करते हैं, वाह। नहीं तो टिकटॉक तो बैन हो गया भाई, अब क्या करते हैं आप? सर अब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूब चैनल, वाह बहुत बढ़िया बात है, लगे रहो बेटा लगे रहो। थैंक यू सर। तो आशीष पाठक, तो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे आप? हिंदी, ओके। यस सर। तो सबसे पहले हिंदी में इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। सर मेरा नाम आशीष पाठक है, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले से हूँ। सिद्धार्थ नगर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यस। आप ये बताइए कि सिद्धार्थ नगर में ऐसी प्रसिद्ध दो चीजें बताइए। सर सिद्धार्थ नगर में सर बांसी का मेला बहुत फेमस है और कपिल वस्तु महोत्सव। कपिल वस्तु महोत्सव, बांसी का मेला। यस सर। ठीक है, आपने भारत भारी का जिक्र नहीं किया सर। तो आपने सब दो ही चीज पूछा तो इसलिए मैंने तीसरे का नाम नहीं लिया। अच्छा, अगर तीन चीजें पूछता तब उसमें आप जिक्र करते। ठीक है, आप आईएएस बनना चाहते हैं? जी सर। क्यों भाई, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आप? सर मेरी माँ कहती है कि मैं एक दिन जरूर आईएएस बनूंगा। अच्छा, आईएएस बनना सर मेरा पैशन है सर। पैशन आपका? यस सर। आपने अभी सर को बताया कि आप टिकटॉक बनाते थे और उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल पे छोटी मोटी कॉमेडी बनाते हैं आप। सर साथ साथ में सर करता रहता हूँ सर, पढ़ाई के साथ साथ में वो, क्योंकि सर वो सर वो अच्छा लगता है सर, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ सर। सर बहुत मजा आता है सर। यूट्यूब चैनल पे छोटी मोटी कॉमेडी बनाते हैं आप? ब्लॉग भी सर। ठीक है, ब्लॉग भी बनाते हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आप ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में ये कॉमेडी बनाना, वीडियो बनाना, ये सब आप इसको बनाते हुए आप अपने आप को आईएएस देख पा रहे हैं? सर मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ सर, मेरी माँ कहती है कि मैं एक दिन जरूर आईएएस बनूंगा। ठीक है, तो आपने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है? यस सर। आपके उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही थी, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत थी? सर मिल रहा था यूपी में बहुत से कॉलेज सर, गौरागढ़ में भी सर है सर, मुझे कह रहे थे कि नाम लिखवा लो, लेकिन सर वो मेरा सपना था सर कि मैं एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूं सर, तो इसीलिए। अच्छा, आपका सपना था? यस सर। आशीष का मतलब क्या होता है? सर मेरी माँ कहती है आशीष का मतलब आशीर्वाद होता है। आपसे पहला क्वेश्चन कि अगर मान ले आप किसी जिले के आईएएस अधिकारी बन जाते हैं और उस जिले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो शराब पीते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जमीनों को बेच रहे हैं और घर पे परिवार उनका सुखी नहीं होता है, उनके वजह से मारते पीटते हैं जी, जिसकी वजह से काफी उनके घर में दुख का माहौल होता है, आपको शराबबंदी के लिए कुछ ऐसे कानून उठाने हैं, कदम उठाने हैं, तो क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले सर जितने भी उस जिले में शराब के ठेके हैं वो उनको बैन कर दूंगा, सबको ठेकों को बंद करवा दूंगा मैं। लेकिन अगर आप सभी दारू के अड्डों को, दारू के ठेकों को बंद कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे सरकार का नुकसान होगा? देश की ग्रोथ रेट इससे रुक जाएगी क्योंकि शराब से सरकार को बहुत ज्यादा इनकम होती है। हाँ सर नुकसान तो होगा सर, तो मैं उस जिले में सर 10-15 ठेका और भी खुलवा दूंगा जिससे सर वहाँ पे दारू पीने वालों की कमी नहीं पड़ेगी सर। अच्छा, तो 10-15 ठेका और खोल देंगे आप जी?
तो इससे तो जो शराब पी रहे हैं उनके लिए और भी आसानी हो जाएगी। जहां उनको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था ठेके के लिए, वहां वो उनको बहुत ही नजदीक अवेलेबल होगी उनके पास, जिससे वो और ज्यादा पीना शुरू कर देंगे। तो इससे तो खत्म हुई ही नहीं समस्या। सर हो जाएगी खत्म सर। नहीं, आप कहाँ खत्म हुई भाई? आप रोइए मत, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। मजाक क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है इंटरव्यू सर। मैंने देखा था उसमें वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, वैसे क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि मान लिया आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं, आप अपने ऑफिस के टाइम निकलते हैं, आप अपनी ड्यूटी पे जाते हैं 8 बजे, और आपको 8:05 पे कॉल आता है किसी अननोन नंबर से, जो आपसे कह 10 करोड़ रुपए मांगता है, और दस आपसे वो करोड़ कहता कि अगर आपने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने आपके जिले में जो है बम प्लांट किया हुआ है, अगर जी आप उसको 10 करोड़ रुपए नहीं देंगे या सरकार से नहीं दिलवाएंगे तो वो बम को ब्लास्ट कर देगा, तो फिर क्या करेंगे आप? सर, हो सकता है सर वो कोई फेक हो मुझसे सर 10 करोड़ लेने के लिए सर, वो मुझसे ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैंने आपके जिले में बम लगाया हो, उसने ला लगाया हो तो मुझसे। नहीं, वो कोई फेक नहीं है, वो आपको पता भी लग जाता है, ये 2 जगह आपको मिलता है बम जो है, और आपको अच्छा पता लग जाता है कि हाँ वो असली है, मतलब रियल रियली में उसने रखा हुआ है रियल में। सर, तो मैं सरकार से 10 करोड़ रुपए लूंगा और जाऊंगा उस क्रिमिनल को पकड़ भी लूंगा और 10 करोड़ रुपए भी सरकार के वापस कर दूंगा। नहीं, सरकार से आप पैसा मान लिया आपने ले लिया 10 करोड़ रुपया, और आपने बोला सरकार को कि ये जो है मैं बम डिफ्यूज करवा के उसके बाद जो है पैसे भी वापस ले आऊंगा, और अगर आप उस पैसे को नहीं ला पाए वापस तो सर मैं ले आऊंगा सर, मैं ले आऊंगा सर। बाय द वे आप वो 10 करोड़ रुपए वापस सरकार को लाके ना दे पाए तो क्या होगा? सर मैं ले आऊंगा, मैंने सर स्पाइडरमैन देखा है, उसमें जैसे हीरो भी मारता है वैसे मैं भी विलन को मार के और उससे पैसे भी ले आऊंगा, बम को डिफ्यूज भी करवा दूंगा। बाय द वे आप वो 10 करोड़ रुपए वापस सरकार को लाके ना दे पाए, इससे तो आपकी वजह से सरकार को काफी नुकसान होगा। अगर सर पब्लिक के हिफाजत के लिए सर 10 करोड़ रुपए चले भी जाते हैं तो सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बेटे तुम मुझे बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ? सर हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था। 1947 में। अच्छा यस सर। बेटे बताओ कि अगर एक रेलगाड़ी निकलती है 10 बजे और दूसरी रेलगाड़ी निकलती है 11 बजे 11 बजे और तीसरी रेलगाड़ी जो निकलती है वो 10:45, जी चौथी रेलगाड़ी निकलती है वो 12 बजे, 12 बजे पांचवी रेलगाड़ी निकलती है वो 1 बजे, तो छठवीं रेलगाड़ी कब निकलती है बताओ? सर, सर कुछ समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ आया? मुझे भी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं। बताओ कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था वो कच्चा गारा से बनवाया था या पक्का गारा से बनवाया था? सर फंसा दिया। सर ताजमहल ना ना कच्चा गारा से बना था ना पक्का गारा से सर, वो ना कच्चा गारा से ना पक्का गारा से, फिर कैसे बनवाया था? संगमरमर पत्थर से। यस सर। हाँ पत्थर से बनवाया था। गुड, यू डिजर्व आई एस, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन जो है ये मैं ऐसा पूछूंगा कि तुम बता ही नहीं पाओगे। यस बेटे बताओ कि एक जंगल में एक शेर रहता था और उसी जंगल में हिरन रहता था, तो बताओ लायन कहाँ रहता था? सर, बोलो। ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर मेरा तो। सर वो सर एक्चुअली सर लाइन को ही शेर कहते हैं।
बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। अरे आशीष तुम बहुत अच्छा आंसर दे देते हो, बहुत बढ़िया दिमाग है तुम्हारा, वाह दिमाग की तो तुम्हारे दांत देनी पड़ेगी आशीष, तुम बहुत बढ़िया जवाब देते हो यार। सर हमें बात करके आपसे काफी अच्छा लगा। सर मैं भी सर, आप भी सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाए हैं, मैं क्योंकि मैं जानते हैं मैं बहुत कठिन पूछता हूँ, कठिन पूछा ना काफी मैंने आपसे, नहीं दे पाए आप कुछ क्वेश्चन के आंसर। जी सर। लेकिन अब देखिए आईएएस तो आप जिस हिसाब से बैठे हैं, जो पर्सनालिटी है आपकी, ये आईएएस मांग रहा है, आपका जो शरीर है ये आईएएस के लायक है एकदम, और हमारी तरफ से आपके लिए काफी शुभकामनाएं है। थैंक यू सर। जाइए आप। जाइए। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते।